हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन। तो इस वीडियो में मैंने जितना भी कैप्चर किया है वो मेरे डेली नाइट टाइम रूटीन है। तो रात के खाना खाने के बाद, रात के डिनर कंप्लीट होने के बाद, मैं यहाँ पे किचन में आ जाती हूँ। और जितने भी खाना बनाते वक्त मैंने जिन जिन डब्बे पे हाथ लगाया हो, तेल का हाथ लगाया हो, तो उस सारे डब्बे को मैं किचन टॉवल से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जितने भी ऑयल उनमें लगा हो तो वो निकल जाए। और डेली आप अगर अपने जो डेली आप खाना बनाते वक्त किसी भी डब्बे को आप यूज़ करते हो, हाथ लगाते हो, तो उसे डेली आप अगर क्लीन करके रखो तो वो ऑलरेडी अच्छे से शाइन भी रहता है और ऑलरेडी साफ़ रहता है, तो ख़राब होने का चांस भी नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं जहाँ पे किचन में मैं ज़्यादातर मोस्टली इस शेल पे जो मुझे रेगुलर हमेशा चीज़ें लगती है, तो वही इस शेल पे मैं रखती हूँ मोस्टली। यहाँ पे मैं चॉपिंग बोर्ड और अदरक लहसुन कूटने के लिए थंबल, ऐसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं वो पता नहीं, और यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड और चाकू, ये सब मैं इस शेल पे रखती हूँ। और घी, ऑयल, ये मुझे ज़्यादातर लगता है कभी भी सुबह सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, तो शाम को भी, तो इसलिए पर्सनली मैं इस शेल को अपने यहाँ पे ज़्यादा करके ऑयल और तेल और मसाला का डब्बा, जीरा, जो मुझे मोस्टली सब चीज़ों में डालना रहता है, तो वो मैं इस शेल में रखती हूँ। और यहाँ पे इन सारे मैंने शेल को किचन टॉवल से अच्छे से क्लीन कर लिया है। और फिर यहाँ पे जितने भी चाकू और यानी कि नाइफ और कैची, नाइफ, सीज़र और चॉपिंग बोर्ड, उनको क्लीन करके मैंने ऊपर रख दिया है। और यहाँ पे मैं किचन टॉवल से इन सारे डब्बे को अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे शेल में रख दे रही हूँ, ताकि जब भी खाना बनाते हैं हम, अपने हाथों में ऑयल रहता है, हमें पता नहीं रहता है कि किस समय कहाँ पे हम हाथ लगा दे रहे डब्बे, फिर ख़राब हो जाते। तो इसलिए मैं हर रात को कोशिश करती हूँ कि इन सारे डब्बे को क्लीन कर दूँ, क्लीन करके ही रखूँ, ताकि सुबह खाना बनाते वक्त मुझे तकलीफ़ ना हो। और अगर रात को हम अपने किचन को साफ़ करके रखते हैं और सुबह सुबह अगर हमें अच्छा क्लीन किचन मिलता है, तो ऑफकोर्स हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है, और खाना बनाने में हम अपने दिल से फिर हम अपने परिवार के लिए खाना बना सकते हैं। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि रात को मैं पूरा किचन क्लीन करके उसके बाद सोने जाऊँ, और फिर सुबह सुबह उठ के किचन साफ़ रहेगा तो किसको मन नहीं करेगा कि काम किस मतलब अपने परिवार के लिए एक अच्छा डिश, एक अच्छी प्यार भरा डिश बनाए। तो यहाँ पे मैंने सारा शेल में जितने भी डब्बे उन्हें क्लीन कर दिया है, और यहाँ पे बस शेल के ऊपर रख दिया है ये अंडा, मिक्सर मशीन, मसाला के डब्बे, जीरे, इलायची, घी, तेल का डब्बा। तो ये सारे चीज़ मुझे हमेशा लगता है, तो पर्सनली मैं इसलिए यहाँ पे ही रख देती हूँ इसे। और यहाँ पे हमल दस्ती, हम लोग बोलते हैं अदरक लहसुन को कूटने के लिए हमल दस्ती, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, तो हमल दस्ती को भी मैं यहाँ पे ही रखती हूँ, और इसे भी क्लीन करके रख देती हूँ रोज़, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम बनाए तो उसमें स्मेल ना आए। एक्चुअली हम सब्जी के लिए अदरक लहसुन इसमें कूटते, लेकिन उसके बाद हम अगर कभी चाय बनाए तो उसी में अगर अदरक हम कूटेंगे तो चाय में जो वो लहसुन का फ्लेवर टेस्ट आ जाएगा ख़राब। तो इसीलिए मैं इसे भी रात को ही धो के वॉश करके रख देती हूँ, ताकि सुबह सुबह अगर मैं चाय बनाऊँ तो उसमें वो स्मेल ना ट्रांसफ़र हो। और उसके बाद मैं पहले शेल्फ को क्लीन कर देती हूँ, और फिर यहाँ पे गैस को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं गैस को स्क्रब की मदद से अच्छे से घिस के क्लीन कर देती हूँ। तो मैं रोज़ डेली यही रूटीन है, बट गैस को मैं हमेशा दूसरे दिन इसे पोंछ लेती हूँ, टॉवल के मदद से क्लीन कर लेती हूँ,
और हफ्ते में सिर्फ 3 बार मैं गैस को क्लीन करती हूँ। जब भी वेनेसडे होता है उस दिन मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि उसके नेक्स्ट डे में थर्सडे गुरुवार के दिन अच्छे से एक्चुअली थर्सडे के दिन हमारे घर में वेज खाना बनता है, तो इसीलिए मुझे गैस को वॉश करना पड़ता है उसके एक दिन पहले। तो यहाँ पे मैं इस तरह दीवार पे भी यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। और ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये स्टाइल नहीं है, ये एक्चुअली वॉलपेपर है, पीवीसी का वॉलपेपर। और इसे मैं क्या कैसे बता आपको, वाटरप्रूफ है ये। आपको अगर लेना हो तो ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, अमेज़ॉन से भी ले सकते हो, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ब्लू कलर का जो वॉल दिख रहा है यहाँ पे, तो मेरा किचन भी उसी तरह है, ब्लू कलर का ही वॉल है। बट पर्सनली मुझे नहीं पसंद था, तो इसीलिए मैंने ये पीवीसी का स्टाइल के जैसे ही दिखने वाला एक स्टिकर लगाया है जो वाटर प्रूफ है। आप इसे वॉश कर सकते हो, किसी गीले कपड़े से क्लीन कर सकते हो, फिर भी ये अच्छे से टिकता है। बस आपको इसमें पानी ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही घिस के और एक किचन के टॉवल से, गीले किचन के टॉवल से इसे पोंछ ले रही हूँ, ताकि पानी जमे ना। और नहीं तो फिर ये ऑलरेडी पेपर का ही होता है, बट वाटर प्रूफ होता है, फिर भी आप अगर किसी भी पेपर के ऊपर, वाटर प्रूफ ही हो ना क्यों, किसी भी पेपर के ऊपर आप अगर रखोगे पानी, तो वो पेपर पानी खींच लेता है और फिर वो पेपर पूरा वेस्ट हो जाता है, तो ख़राब ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ हमेशा स्टिकर में अच्छे से किचन के टॉवल से क्लीन कर दो। तो यहाँ पे मैंने किचन के टॉवल से क्लीन कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं पूरा गैस के नीचे से क्लीन कर लेती हूँ पूरा। मार्बल को यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर पानी से जस्ट वॉश कर लेती हूँ, तो मेरा किचन फिर क्लीन हो जाता है। और ये सब पूरा काम करने में ऑलमोस्ट मुझे हाफ एन आवर लग तो लग ही जाते, आधा घंटा तो आराम से लग ही जाते, या फिर उससे ज़्यादा भी लग जाते। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस काम को रेगुलर करूँ, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए कि घर में अगर आप किचन को क्लीन करके रात को सोते हो तो उसमें घर में बरकत होती है। ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी माँ अगर घर में आप आवास करती है तो आपके किचन में ही वास करती है, और किचन में किचन से गुजरती है, ऐसा ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए। तो इसलिए मैं भी इस रूल को फॉलो करती हूँ कि मैं एटलीस्ट किचन गैस अगर वॉश ना करूँ तो किचन भीगे किचन टॉवल से एटलीस्ट इसे क्लीन कर दूँ। तो यहाँ पे किचन पूरा पानी से मैंने पहले क्लीन कर लिया था, और फिर उसके बाद मैं किचन टॉवल से पूरा क्लीन कर दे रही हूँ, ताकि उसमें जो वाटर है गैस में, वो अगर गैस के ऊपर आप पानी से धोते उसके बाद वो सूखता है, तो फिर वो वाटर मार्क आ जाता है। तो इसीलिए मैं किचन धोने के बाद ही एक किचन टॉवल से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, तो अब बस अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब बस मुझे जितने भी बर्तन निकले हैं तो वही बर्तन को मांजना है। तो यहाँ पे मैं हमेशा पहले शेल्फ क्लीन कर लेती हूँ, और जितने भी डब्बे हैं उनको किचन टॉवल से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद गैस विस पूरा वॉल विल सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं लास्ट में बर्तन जितने भी है सब मांझ लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते कि मैं पहले बर्तनों को सिंपल नॉर्मल वाटर से पहले क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसे मांझूंगी, क्योंकि नहीं तो जब मैं स्क्रबर से मांझूंगी तो उसमें झूठा रह जाएगा, तो वो एक बर्तन से नेक्स्ट बर्तन में फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ कि पहले सिंपल वाटर से इन बर्तनों को पहले साफ़ कर लेती हूँ, जितने भी झूठापन है उसमें वाटर से निकाल देती हूँ, फिर बाद में मैं इन सब बर्तनों को स्क्रबर से घिस लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने आधे बर्तन को पानी से निकाल लिया है, और उसके बाद मैं इन सबको घिस लूँगी। और मेरा सिंक जो है ना बहुत ही छोटा है,
तो इसलिए मैं पानी से पहले आधे बर्तनों को निकाल के इसके लादी के ऊपर रख दी थी, और उसके बाद किचन के ऊपर रख दी थी। उसके बाद अब बस एक एक करके इन सब बर्तनों को मांझ लूँगी और फिर इन सबको क्लीन नॉर्मल वाटर से अच्छे से धो लूँगी। नॉर्मल डे में मैं इस गैस के जालू को जाली जो है उसे ये किचन टॉवल से बस क्लीन कर लेती हूँ। मांझती नहीं हूँ उसे स्क्रब से। नॉर्मल डे में मैं बस इन सब को किचन टॉवल से क्लीन कर देती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं नॉर्मली सिर्फ हफ्ते में 3 बार गैस को क्लीन करती हूँ, और नहीं तो फिर बस उसे किचन टॉवल से क्लीन कर देती हूँ। और नहीं तो बाकी ये पूरा रूटीन मेरा डेली का है। बस गैस को जो वॉश करती हूँ बस वही छोड़ के बाकी डे में भी मेरा सेम रूटीन है। बस इसी तरह मैं पहले हर बर्तनों को बस नॉर्मल पानी से पहले धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद इसे मांझ लेती हूँ ताकि झूठा जो भी है वो निकल जाए और स्क्रब में भी ना लगे और दूसरे बर्तनों में भी ट्रांसफ़र ना हो, ताकि वो गंदा स्मेल जो है वो ना रह जाए। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही बर्तन धो लूँ, ताकि सुबह तक अगर आप बर्तन रख देते हो, मीन्स अगर मैं सुबह तक बर्तन रख देती हूँ और फिर बाद में हम सुबह मीन्स मैं सुबह फिर जब किचन में आती हूँ उसके बाद एक अजीब सा स्मेल आ जाएगा आता है, और उसके बाद आपका मूड तो पूरा बैंड बज जाएगा मूड की तो, और फिर खाना बनाने को भी मन नहीं करेगा। तो इसलिए कभी कभार मैं से लेजीनेस आ जाता है कि नहीं बस आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ कि ताकि कल बर्तन धो लूँ या फिर रख दूँ आज। बट नेक्स्ट डे अगर वही आप किचन में एंटर करते हो उसके बाद ये अचानक से एक स्मेल आ जाए तो कुछ भी काम करने को फिर मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए एटलीस्ट रात को ही बर्तन धो लूँ, तो ताकि वो किचन भी साफ़ सुथरा रहे। और किचन साफ़ सुथरा रहने से एक चीज़ अच्छी होती है कि कॉकरोच और जो भी कीड़े मकोड़े ये सब आते नहीं। अगर आप
रोज किचन को वॉश कर, रोज मीन्स रोज किचन को क्लीन करके रखते हो ना, तो आप देख आपको पता चल जाएगा कि किचन में कोई भी कॉकरोच या कीड़ा मकोड़ा आना ही बंद हो जाते, क्योंकि किचन में हम झूठापन और फिर खाना बिना अगर रख देते तो फिर उसके वजह से कॉकरोच ज़्यादातर आते। तो यहाँ पे मैं तो किचन को बस डेली वॉश कर देती हूँ, डेली क्लीन कर लेती हूँ, तो इसीलिए मेरे घर में भी कॉकरोच कीड़े मकोड़े ये सब बहुत ही कम मीन्स आते नहीं उतने। और यहाँ पे बस मेरा सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिया है, अब मैं सिंक को बस क्लीन कर लूँगी। मैं सिंक मेरे लिए एक लास्ट बर्तन की तरह है, क्योंकि मैं हमेशा फुल डे अगर मैं सिंक जो है उसे क्लीन ना भी करूँ, लेकिन रात को जब मैं किचन क्लीन करती हूँ और उसके बाद बर्तन धोने के बाद ही मैं सिंक को भी इस तरह ब्रश के मदद से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये स्पेशली मैंने ब्रश सिंक को क्लीन करने ही रखा है, तो क्योंकि जहाँ जहाँ पे स्क्रब मेरा नहीं जा पाता है तो एटलीस्ट ये ब्रश उसका काम करता है। तो स्क्रब के मदद से मैं पूरे सिंक को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और फिर इसे क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सिंक भी क्लीन हो चुका है और उसके बाद मैंने यहाँ पे हाथ भी वॉश कर लिया है। और मैं मुझे एक बुरी आदत है, मीन्स आप बोल सकते हो, मैं हमेशा हाथ धोती रहती हूँ, कुछ भी चीज़ करने के बाद हाथ धोती रहती हूँ, पता नहीं मुझे ये बचपन से आदत है। और मेरा यहाँ पे देखिए किचन भी क्लीन हो चुका है और बस बर्तन भी धुल चुके हैं, उसमें से पानी भी पूरा निकल गया। तो बस मैं बर्तन शेल में रख दूंगी, जहाँ पे है सारे बर्तनों को मैं शेल में रखने के बाद किचन से हटा के उसके बाद मैं डस्टबिन को क्लीन करके उसमें नेक्स्ट डस्टबिन बैग जो है वो डाल देती हूँ। और पहले वाला जो डस्टबिन बैग था उसे मैं निकाल के साइड में रख देती हूँ, ताकि जो भी डस्टबिन वाला आए तो सुबह मॉर्निंग में फिर मैं दे सकूँ उसे। और उसके बाद मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं बस किचन को क्लीन कर दे रही हूँ, पोछ ले रही हूँ किचन को, और फिर मेरा किचन रूटीन फुल कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। क्लीनिंग किचन क्लीनिंग रूटीन लास्ट में यहाँ पे किचन टॉवल जो है इस तरह फैला देती हूँ, ताकि वो भी सुबह तक सूख जाए, वॉश करके बस इस तरह फैला देती हूँ और मेरा किचन भी फुल कंप्लीट क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे बॉटल भी मैंने रख दिए हैं और बस। और ये जो किचन क्लीनिंग रूटीन है ये मेरा डेली नाइट टाइम रूटीन है, तो ये करके ही फिर मैं रात को सोने जाती हूँ। और यहाँ पे मैं बस चेक कर रही हूँ गैस बंद किया है कि नहीं और खिड़की भी बंद किया है कि नहीं, तो सब कुछ चेक करने के बाद बस अब मैं सोने जाऊँगी। तो गुड नाइट एवरीवन एंड बाय बाय स्वीट ड्रीम।